अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में पंजाबी को पहली भाषा का दर्जा देने की मांग पर रखते हुए पंजाबी मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में पंजाबी संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया, तो वहीं चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां भी दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अधिकारियों ने अपनी सुविधा को देखते हुए यहां पर पंजाबी की जगह अंग्रेजी को मुख्य भाषा के तौर पर लागू किया है, जो कि संविधान से बिल्कुल उलट है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पंजाबी को पहली भाषा का दर्जा देने के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया और साफ किया गया कि आने वाले समय में भी ये मुहिम जारी रहेगी और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मातृभाषा दिवस के उत्ते सानू बहुत मजबूर होके ये कदम चुकना पिया, क्योंकि असी बार बार चंडीगढ़ प्रशासन को लिखती रूप में यह बेनती करते रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाबी बोलते पिंडां नू उजाड़ के बसाया गया। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हमेशा जदों किसी भी सूबे की वंड हुई आ ते राजधानी उस सूबे नू मिली आ जिस सूबे दे विचों वंड होकर नवे सूबे बनते आ। उस लिहाज नाल भी हिमाचल ते हरियाणा की राजधानी वक्री बननी सी। सो पंजाबी स्पीकिंग लोगों का खिता होने करके साड़ी ये मंग आ कि चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा उहदा बनदा संविधानक हक जिहड़ा हैगा वह पहली भाषा का वह दिता जाए, क्योंकि मैं ये समझदा कि हिंदुस्तान का संविधान साढ़े हिंदुस्तान संविधान के आर्टिकल 344 तो लैके 351 तक ये गरंटी की गई है कि हर खिते के लोगों उन्हां दी मात भाषा बोलण पढ़न ते सिखण दे काबल बनाउणा यह सरकार की संविधानक ड्यूटी है, जिम्मेवारी आ। भारतीय संविधान जिहड़ा सैकुलरिज्म दीआं नीहां ते डेमोक्रेटिक नीहां ते बनाया गया आ, भारतीय संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक नूं हक दिंदा आ कि वह अपनी मात भाषा में पढ़ सके, बोल सके, समझ सके ते अपनी गल कर सके। अपने लोगों की भाषा भी नहीं बोलनी चाहते ये। सो असी सारे अपने एम पी जी नूं खत लिखे, चंडीगढ़ के एम पी नूं खत लिखिया, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन नूं खत लिखे, गवर्नर साहब नूं खत लिखे। असी पहलां इत्थे धरने दित्ते आ, इत्थे मुजाहरे कीते आ, चिट्ठियां लिखियां, अज असी मात भाषा दिवस के उत्ते मजबूर होकर यह कदम चुकिया। मैं ये गल बड़े दुख नाल कह रहा कि सानू अपने घर में अपनी भाषा बोलने की इजाजत मंगनी पै रही है। इन्होंने 1 नवंबर 1966 में जो ड्यूटी का स्टेटस मिलया नाल ही इतों की ऑफिशियल लैंग्वेज जी है सरकारी भाषा वो अंग्रेजी कर दी। ये जिहड़े पंजाबी मंच के वीर ये अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिहड़े कहिंदे गिरफ्तारियां देनियां, ये कई सालों तो लड़ रहे हैं। लड़ाई इको ही है भी ये पंजाब की राजधानी है, हरियाणे की भी राजधानी है, आपां दोनों की कह लिए। इतों के 11-12 लाख जिहड़े 100% लोग ने उन्हां दी मां बोली पंजाबी जां हिंदी है, पर सरकारी भाषा अंग्रेजी क्यों है? जिवें मैं हुणे जिक्र कीता है इत्थे 3-3.5 लाख लोग झुग्गियां 'च रहिंदे ने, कलोनियां 'च रहिंदे ने, 2 लाख लोग पिंडां 'च रहिंदे ने, पंजाबी बोलते ने, बाकी आपां सारे सैक्टरां वाले हैं। मतलब साडे 'चों किहड़ा बंदा अंग्रेजी बोलता, मतलब कि इत्थे गोरे का मुंडा जां कुड़ी है? सो बड़ा सिंपल सवाल है कि संविधान यह कहिंदा जिहड़े स्टेट की जिहड़े खिते की जिहड़े यूनियन टेरेटरी के लोगों की मां बोली होवे जो बोलते हैं सरकारी भाषा भी उही चाहिए है।